तमिलनाडु में सलेम चेन्नई ग्रीन कॉरिडोर के निर्माण का किसान लगातार विरोध कर रहे हैं। बुधवार को इसके विरोध में एक किसान ने आत्महत्या करने की भी कोशिश की। विरोध प्रदर्शन के दौरान एक किसान ने पानी से भरे गड्ढे में कूदकर आत्महत्या की भी कोशिश की, लेकिन समय रहते किसान की जान बचा ली गई। सड़क परिवहन मंत्रालय ने 10,000 करोड़ की लागत से बनने वाले 277.3 किलोमीटर लंबे 8 लेन वाले इस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए करीब 570 एकड़ जमीन के अधिग्रहण को मंजूरी दी है। ये एक्सप्रेसवे सलेम के अरनियानूर से होते हुए चेन्नई के वैंडलोर के पास जाकर खत्म होने वाला है, जिसके बन जाने के बाद सलेम से चेन्नई जाने में मात्र 6 घंटे का सफर तय करना पड़ेगा, जो फिलहाल 9 घंटे का है। विरोध कर रहे किसानों का आरोप है कि इस दौरान कई एकड़ खेती की जमीन इस एक्सप्रेसवे की भेंट चढ़ चुकी है। किसानों के मुताबिक 37 किलोमीटर के क्षेत्र में नारियल की अच्छी फसल होती है। अगर इस कॉरिडोर का निर्माण होता है तो वो अपने खेतों तक सिंचाई का पानी नहीं ले जा पाएंगे।